आज हम बात करेंगे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का गाड़ी बीस्ट के बारे में, जिसमें अभी अभी वो इंडिया में गुजरात, अहमदाबाद और मोटेरा स्टेडियम तक भ्रमण कर चुके हैं। ये बीस्ट गाड़ी 2018 मॉडल का एक यूनिक कैडिलैक टाइप का गाड़ी है, जो प्रेसिडेंशियल स्टेट कार माना जाता है और जिसको मेंटेन करते हैं अमेरिका का स्टेट सीक्रेट सर्विस, और जो ट्रांसपोर्ट होता है एयरफोर्स वन में। यानी कि जो इंडिया में आया है ये गाड़ी, वो एक एयरफोर्स वन एरोप्लेन से अमेरिका से इंडिया में आ चुकी है। ये गाड़ी डोनाल्ड ट्रंप आने के पहले ही इंडिया में आ चुकी थी एयरफोर्स वन के एरोप्लेन के द्वारा। अभी ये गाड़ी गाड़ी नहीं कहलाता है, इसको आप लोग एक छोटा मोटा टैंक ही कह सकते हैं। इसका जो बॉडी है वो स्टील से बनी हुई है और वो 5 इंच ठीक है। वो हार्ड स्टील एल्यूमिनियम टाइटेनियम से बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा गोली भी ये आसानी से सहन कर सकती है। इसका जो डोर है वो बोइंग 757Z से बनी हुई है और ये 100% सील हो जाती है जब ये दरवाज़ा बंद हो जाती है, और केमिकल अटैक को ये बचाने के लिए काम आती है। मतलब बाहर में जो केमिकल वेपन से अटैक हो सकता है प्रेसिडेंट पे, वो ये डोर सील कर देती है और गाड़ी के अंदर ये केमिकल नहीं जाती है। बीस्ट कार का जो सेसिस है वो रेनफोर्स स्टील से बनी हुई है, वो बॉम अटैक को इजीली रेसिस्ट कर सकती है। और इसका जो टायर है वो फट जाने के बाद भी आराम से 100 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड में चल जा सकती है। मतलब इसका जो टायर है कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इस गाड़ी के अंदर अपना ऑक्सीजन सप्लाई होती है और जो प्रेसिडेंट का ब्लड टाइप है उस ब्लड टाइप का ब्लड भी इसमें अवेलेबल होता है। इस गाड़ी के सीट के नीचे एक सैटेलाइट फोन होता है जो डायरेक्ट लिंक होता है वाइस प्रेसिडेंट से और पेंटागन से। मतलब अटैक होने पर प्रेसिडेंट सैटेलाइट फोन से डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड पेंटागन को बात बता सकते हैं क्या करना चाहिए। और इसका जो फ्यूल टैंक होता है वो आर्मर्ड प्लेट होता लगता है, जिससे वो एक्सप्लोशन से बच सकता है। और इसके बोनेट में एक हिडन कैमरा होता है जो नाइट विजन का काम करता है। मतलब रात को भी आसानी से ये गाड़ी चल सकता है बिना लाइट से। इसमें अपना GPS सिस्टम और कम्युनिकेशन सेंटर भी होता है। और इसका जो ड्राइवर है, बीस्ट का जो ड्राइवर है, उसको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है जो आसानी से जमकर मुकाबला करता है टेरर अटैक से। और ये 180 डिग्री जे टर्न भी आसानी से कर सकता है इस बड़ी से बड़ी बीस्ट से।